विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम्। ये संसार बेहद विचित्र है, किंतु यहाँ कुछ भी निरर्थक नहीं है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। हम प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप जानकर आश्चर्य होंगे कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां भगवान की नहीं बल्कि एक राक्षस की पूजा की जाती है। यह राक्षस उस गांव के लोगों का कुल देवता माना जाता है। यहां प्रति वर्ष उसकी यात्रा भी निकाली जाती है। ये गांव है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की पाथरी तहसील का नांदूर गांव, और यहाँ पूजे जाने वाले राक्षस का नाम है निम्बा दैत्य, जिसका नाम पर गांव को नांदूर निम्बा दैत्य भी कहा जाता है। इस गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ निम्बा दैत्य की आराधना करते हैं। गांव में निम्बा दैत्य का 2 मंजिल का मंदिर है, जो कि गांव की एकलौती 2 मंजिला इमारत है। निम्बा दैत्य के सम्मान में गांव के लोग 1 मंजिला घर ही बनवाते हैं। इस दैत्य के प्रति लोगों की आस्था इतनी ज़्यादा है कि यहां के लोग अपनी गाड़ियों, दुकानों और घरों के बाहर निम्बा दैत्य कृपा जरूर लिखवाते हैं। इस गांव के दूसरी खासियत ये है कि यहां के लोग पूरी दुनिया में पूजे जाने वाले हनुमान जी को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं, बल्कि इस गांव में उनका एक भी मंदिर नहीं है। गांव के लोग बताते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में किसी का नाम हनुमान या उनके किसी दूसरे नाम पर नहीं रखा जाता है। यहां तक कि इस गांव में मारुति की गाड़ियां भी नहीं खरीदी जाती है, क्योंकि मारुति भी हनुमान जी का ही एक नाम है। गांव के लोग बताते हैं कि अगर बाहर से भी कोई व्यक्ति यहाँ आता है और उसका नाम हनुमान जी के नाम पर है तो उसका नाम बदल दिया जाता है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताई गई कथा के मुताबिक एक बार गन्ने से लदा बाहर एक ट्रक गांव के सीमा में आकर गड्ढे में फंस गया। ड्राइवर कई घंटों तक परेशान रहा। बाद में कुछ गांव वाले यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर के केबिन में हनुमान जी की फोटो लगी हुई है, जिसे गांव के सीमा से बाहर करने के बाद ही ट्रक वहां से निकल पाया। इस गांव में निम्बा दैत्य की पूजा और हनुमान जी की यहां से दूरी के पीछे एक कथा मौजूद है। दरअसल सीता हरण के बाद माता सीता की तलाश में निकले राम लक्ष्मण महाराष्ट्र के नांदूर गांव में पहुंचे। तब पास के जंगल में मौजूद निम्बा दैत्य ने भगवान राम की बहुत सेवा की। उसकी सेवा से भगवान राम प्रसन्न हो गए और उससे आशीर्वाद मांगने को कहा। तब निम्बा दैत्य ने भगवान से अपनी पूजा का वरदान मांगा। तब भगवान राम ने उसे वहां स्थापित होने और लोक देवता के रूप में पूजे जाने का वरदान दिया। लेकिन निम्बा दैत्य ने भगवान से कहा कि मैं इस स्थान पर निवास नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे हनुमान जी से डर लगता है। तब भगवान राम ने बजरंग बाली को नांदूर गांव से दूर रहने का आदेश दिया, जिसके बाद निश्चिंत होकर निम्बा दैत्य वही निवास करने लगा और लोगों की पूजा स्वीकार करने लगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि निम्बा दैत्य के आशीर्वाद से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और उन्हें किसी दूसरे देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ हर साल 3 दिन की निम्बा दैत्य की यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए गांव से बाहर गए लोग भी लौटकर आते हैं। नांदूर गांव स्थित निम्बा दैत्य का मंदिर हेमाडपंथी शैली का बना हुआ है। इस मंदिर के सामने बेहद पुराना बरगद का पेड़ भी है, जिसकी उम्र के बारे में किसी को पता नहीं है।
तो आपको भी सुनकर आश्चर्य हुआ ना कि देवी देवताओं के इस देश भारत में एक दैत्य का भी उपासना की जाती है। लेकिन ये उपासना इसीलिए होती है क्योंकि निम्बा दैत्य सत्कर्मी था और ईश्वर का भक्त था। ये उदाहरण बताता है कि यदि कोई जन्म से राक्षस भी हो लेकिन उसके कर्म अच्छे हो तो वो सम्मान का अधिकारी हो जाता है। अपने विशेष कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं आपके लिए इसी प्रकार की विचित्र कथाएं लेकर आती रहूँगी, जिन्हें जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय जय सियाराम।